तो आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल रेसिपी आलू चाट। आप इसे बिना व्रत के भी बना सकते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये तीन आलू ले लिए हैं उबले हुए, जिसे हम छील लेंगे। तो मैंने इसे छील लिया है और अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी आलू जो है मैंने बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है, जिससे हमारे आलू जो है काटते वक्त वो टूटेगा नहीं। तो जब भी आप आलू बॉयल्ड आलू को कट करें तो उसे ठंडा करके ही कट करें। तो इस तरीके से मैंने सारे आलू को कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर ले रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर पाउडर लेने की वजह से हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना होगा, जिससे हमारा दही जो है वो पतला नहीं होगा। तो हम इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और अब हमारा दही भी जो है बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है और 2 हरी मिर्च। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 लेमन का जूस मैंने ले लिया है और अब मैंने 2/3 टेबल स्पून सेंधा नमक ले लिया है और 1/4 कप पानी। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हमारा हरा चटनी भी बिल्कुल तैयार है। और अब मैंने एक पैन ले लिया है, हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे। और अब मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा ले लिया है। आप फास्टिंग में अगर जीरा नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले लिया, जिसे बारीक कट कर लिया है। और हम इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे और इसे गोल्डन कलर अच्छे से आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं सेंधा नमक इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा करारा चटपटा कुरकुरा आलू जो है बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आलू को डाल देंगे और अब हम इसमें दही जो हमें तैयार करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने शुगर डाल दिया था, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसे फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम इमली का यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ड में ही मैंने शुगर डाल दिया था। और अब हम इसमें हरी चटनी डाल देंगे, जिसे हमने तैयार करके रखा था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फली जो है ऑलरेडी रोस्ट करके मैंने रखा हुआ था, हम इसे डाल देंगे। और इसमें मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा अनार डाल रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर अनार भी इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। और हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसमें काली मिर्च डाल के इसे गार्निश कर लेंगे। और अब हमारा व्रत वाला स्पेशल आलू चाट बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।